वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। इस लेक्चर में हम पांच इडियम्स और फ्रेजेस देखेंगे 36 से लेकर के 40 तक। आशा है वीडियो के अंत तक आपको ये पांचों याद हो जाएंगे। आज का पहला होगा हश मनी। हश मनी मतलब घूस। दूसरा होगा जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मतलब हर फन मौला। फिर होगा जेल बर्ड मतलब अपराधी जिसका एक पैर सदा जेल में रहता है। फिर है जॉन्डिस्ड आई पक्षपातपूर्ण दृष्टि। फिर है लैकोनिक स्पीच छोटा भाषण। यहाँ पे हरफन मौला का आप जानते हैं इंग्लिश ऑलराउंडर, ऑलराउंडर। और आप समझ सकते हैं कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स के लिए ऑलराउंडर सिनोनिम हो जाएगा। एनीवेज, फर्स्ट इज हश मनी। हश की हिंदी होती है चुप, तो मनी चुप कराने वाली, मतलब जिसको जो चुप है उसे जब बोलना चाहिए उस वक्त नहीं बोलेगा, आंखें बंद कर लेगा, मुंह बंद कर लेगा। क्यों बंद करेगा? क्योंकि उसको घूस दिया गया रहेगा। तो हश मनी मतलब घूस, और हश क्यों कहेंगे? चुप कराने की मनी होगी घूस। तो याद रहेगा आपको हश मनी चुप, यहाँ पे हश का मतलब और घूस पूरा इस का मतलब हो गया। फिर यहाँ पे जो सेंटेंस यूज किया है इसे बाद में देखते हैं। दोबारा दूसरा वाला जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैक मतलब कहें हम एक तरह से मास्टर, तो यहाँ पे उचित होगा मास्टर मतलब मालिक। ऑफ ऑल ट्रेड्स, ट्रेड्स का मतलब हुआ काम कार्य, सभी कार्यों का मालिक, सभी कार्यों में मास्टर, मास्टर मतलब ज्ञाता, सभी कार्यों का ज्ञान है जिसको, क्या बोलेंगे उसको? हरफन मौला ऑलराउंडर। अब क्रिकेट में बहुत यूज करते हैं, बॉलिंग करता है, बैटिंग करता है, फील्डिंग करता है, अच्छा से सब करता है, उसे बोलते हैं ऑलराउंडर हरफन मौला। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हरफन मौला। नाउ जेल बर्ड, जेल बर्ड तो बर्ड कोई है नहीं, पर्सन है, बर्ड जैसा, किसके बर्ड जैसा? जेल के बर्ड जैसा, मतलब जेल में आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, ऐसा करके। तो अपराधी जिसका एक पैर सदा जेल में रहता है, मतलब जैसे जेल से बाहर आया दूसरा केस, और फिर अंदर, फिर बाहर आया बेल हुआ, फिर तीसरी केस वहां पे है, बाकी तो चल ही रहे हैं, फिर अंदर। तो एक पैर जेल में रहेगा, एक पैर बाहर रहेगा, बोलते हैं जेल बर्ड। देन जॉन्डिस्ट आई, जॉन्डिस तो आपने सुना बीमारी का नाम, अब आई में ही जॉन्डिस है। हा? इसका जॉन्डिस का मीनिंग समझाऊंगा, अलग से मीनिंग है। तो इसका मतलब होता है जॉन्डिस आई मतलब पक्षपातपूर्ण दृष्टि। जॉन्डिस इसको पढ़ते हैं जॉन्डिस, जॉन्डिस की हिंदी होती है ईर्ष्यापूर्ण, जॉन्डिस की हिंदी है ईर्ष्यापूर्ण। तो ईर्ष्यापूर्ण आंखें, आंखें तो ईर्ष्यापूर्ण नहीं होती है, मन की भावनाएं ईर्ष्यापूर्ण होती है, लेकिन कहा जाता है ना कि एक आंख से नहीं देखता है उस तरह से, इसलिए आंख का यूज किया गया है, आई का यूज किया गया है। तो जॉन्डिस्ट आई मतलब पक्षपातपूर्ण दृष्टि। देन लाइकोनिक स्पीच, इसको बोलते हैं लाइकोनिक, लाइकोनिक, लाइकोनिक की हिंदी होती है छोटा। तो लाइकोनिक स्पीच छोटा भाषण, हिंदी भी यही है, सेम है छोटा भाषण। तो पांच है हश मनी घूस, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हरफन मौला, जेल बर्ड अपराधी जिसका एक पैर सदा जेल में रहता है, जॉन्डिस्ट आई पक्षपातपूर्ण दृष्टि, लैकोनिक स्पीच छोटा भाषण, हसमनी मतलब घूस। सिलेक्शन बाय बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस, बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस हमने पहले देखा है इडियम्स और फ्रेजेज में। हम बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस का मतलब होता है अनुचित रूप से, अनुचित रूप से हमने देखा है। हाँ, तो अनुचित रूप से सिलेक्शन, सिलेक्शन बाय बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस मतलब अनुचित रूप से नियुक्ति, सिलेक्शन। वॉक्स ऑन कार्य करता है, हस मनी घूस पर। अनुचित मोनी से सिलेक्शन कब होता है? जब घूस दिया गया रहता है पहले से ही, तो सिलेक्शन होता है बाय, सिलेक्शन होता है बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस से। तो यही है, दो को यूज कर दिया, एक बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस जो हमने आज पढ़ा, और जो पहले पढ़ा है, सॉरी जो पहले पढ़ा है बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस एक, और जो आज पढ़ा है हश मनी, इसका दोनों का इस सेंटेंस में यूज कर दिया। तो याद रखिए हश मनी, हश मनी मतलब घूस,
हस मतलब चुप रहना, और इस तरह चुप जो जोड़ दिया कहानी बनाकर हमने, उसे घूस याद रहेगा। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मतलब सभी ट्रेडों में ज्ञान रहेगा इसका, सभी कामों में ज्ञान रहेगा। क्या बोलेंगे इसको, हरफन मौला। क्रिकेट में बॉलिंग करता है, बैटिंग करता है, फील्डिंग करता है, तो उसे बोलते हैं हरफन मौला। नाउ अ स्टूडेंट शुड बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, अ स्टूडेंट को होना चाहिए हरफन मौला। हरफन मौला का मतलब क्या होगा कि उसको खेलने भी आना चाहिए, पढ़ने भी आना चाहिए, और भी एक्टिविटीज है, घर का काम करने भी आना चाहिए, साथ में पढ़ने की बात हो तो सारे सब्जेक्ट्स में सही सही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैथ इजी हो और साइंस बहुत हार्ड हो उसके लिए, तो उसको हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं कहेंगे। तो अ स्टूडेंट शुड बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। नाउ जेलबर्ड, जेलबर्ड मतलब बर्ड जो जेल का है, मतलब आता है जाता है जेल के अंदर, अपराधी जिसका एक फैसला जेल में रहता है, इसको बोलते हैं वन मस्ट, इसको पढ़ते हैं बी डब्ल्यू ए आर ई को बोलते हैं बेवर, बीवेयर नहीं बेवर, वन मस्ट बेवर ऑफ अ जेल बर्ड। और दूसरा ध्यान दीजिए कि बेवर के बाद ऑफ एक प्रेपोजिशन होता है जो अधिकतर आता है, तो याद रखेंगे बेवर के बाद ऑफ आता है, तो वन मस्ट बेवर ऑफ अ जेल बर्ड, सभी को एक अपराधी से बेवर होना चाहिए, मतलब सतर्क होना, सावधान होना चाहिए। बेवर ऑफ लिखा रहता है, अब बेवर ऑफ पिक पॉकेट्स मतलब पॉकेट मारों से सावधान, तो वैसे ही सावधान रहना चाहिए, तो सभी को अपराधी से, एक अपराधी से सावधान रहना चाहिए। नाउ जॉन्डिस्ट आए, जॉन्डिस्ट मतलब ईर्ष्यापूर्ण दृष्टि, पक्षपातपूर्ण दृष्टि कहेंगे इसको, पक्षपातपूर्ण दृष्टि। अ टीचर शुड नॉट हैव जॉन्डिस्ट आई, एक शिक्षक को पक्षपातपूर्ण दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, एक शिक्षक को पक्षपातपूर्ण दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। नाउ लैकोनिक स्पीच मतलब छोटा भाषण, छोटा भाषण हिंदी भी यही है, एक वर्ड, दोनों वर्ड का जो हिंदी है वही यहाँ पे भी हिंदी है। रिमार्क्स लैकोनिक स्पीच वाज अप्रिशिएटेड बाय ऑल, अप्रिशिएटेड मतलब प्रशंसित, मतलब रीमा के छोटे भाषण को सभी ने प्रशंसा किया, चाहे रीमा का छोटा भाषण सभी के द्वारा प्रशंसित हुआ, ऐसा हिंदी होगा, दोनों सत्य है। तो इस तरह से आज हसमनी घूस, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हरफन मौला, जेल बर्ड अपराधी जिसका एक पर जेल में रहता है, जॉन्डिस्ट आई लैकोनिक स्पीच, ये हमारे पांच थे। थैंक यू वेरी मच।